आज हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में मॉर्निंग के 7 बजे रुपेश जी, सुधांशु जी और शहनवाज जी ज्वाइन कर चुके हैं और हम सीखने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग की एक डेटा सेंडिंग मेथड। हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कि एक सीट से दूसरे सीट पर हम किस तरह से डेटा भेज सकें। तो एक सीट हमारा फॉर्म है और दूसरा सीट हमारा डेटा है और ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, तो आप लोग यूट्यूब का सब्सक्राइब कर रखे हैं तो आप देख सकते हैं वहां से। तो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा, मान लीजिए कि डेटा है, राइट, और ये हमारा फॉर्म है। तो मुझे क्या है कि मान लीजिए कि यहां पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे टाइम है और मैं यहाँ नेम और यहाँ पे सिटी और यहाँ अमाउंट, ये मेरा डेटा है, ठीक है। तो मैं एक फॉर्म के ऊपर नेम, सिटी, एक छोटा सा बना रहा हूं, हालांकि एक अच्छा बन सकता है लेकिन मैं एक छोटा सा बना रहा हूं ताकि आप इसकी कंसेप्ट को समझे, क्योंकि अगर बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगा तो आप लोगों को समझ नहीं पाएंगे कि आखिर हुआ कैसे, क्या कर रहा है, इसलिए एक सिंपल सा छोटा सा बना रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक बटन डिजाइन करूंगा और ये सब जगह पे मैं फिल करूंगा और सबमिट करूंगा, तो डेटा मुझे एक के नीचे यहां सीट पे आने चाहिए, ठीक है रुपेश जी। तो चलिए इसके लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो विजुअल बेसिक में जाते हैं, मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 जो भी ले लीजिए, तो 2 पे ही आते सब्जेक्ट और यहां पे हम सेंड करते हैं, देखिए ओपन एंड क्लोज। सबसे पहले यहां हमने देखा, आपने देखा कि डेटा में मेरे पास 3 एक्स्ट्रा कॉलन है बट फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब कि ये ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए। सबसे पहले सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर कैसे जनरेट होगा, तो इसके लिए हम वेरिएबल लेते हैं एस इक्वल टू, हमारे पास मैक्स का फॉर्मूला है मैक्स। अगर मैं एक्सेल में करता तो कैसे करता, मैं लिखता यहां पे मैक्स और सॉरी इक्वल मैक्स और मैक्स में इसको सिलेक्ट करता और एंटर मारता, 0 या 0 प्लस 1 तो 1 हो जाता, और जैसे यहां पे 1 टाइप कर देता तो ये 2 हो जाता, देख रहे ना ऑटोमेटिकली। बट मैक्स का फॉर्मूला वीवीए में सपोर्ट नहीं करता है, ये मुझे कैसे पता चला, तो मैं एस इक्वल टू मैक्स लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, तो देखिए नीचे एक्सप्रेशन नहीं आया। मैं आपको पहले ही बताया था और आज ही बता रहा हूं कि जब भी कोई वीवीए प्रोग्रामिंग में एक्सेल की फॉर्मूला यूज करते हैं तो कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं और कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैक्स और ब्रैकेट ओपन करने के बाद नीचे अंदर नीचे आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, तो समझिए कि फॉर्मूला सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि लेन, लेन सपोर्ट कर रहा है उसी तरीके से। तो जो सपोर्ट नहीं करेगा उसके लिए लिखना है एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स और ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, लिखेंगे शीट्स डेटा डॉट रेंज, क्योंकि दूसरे शीट में इसलिए रेंज पूरे ए से लेके ए तक, ये मैक्स आ गया। अब आगे क्या करते हैं, अब मुझे इस पे डेटा डालना है, तो
मैं लिखूंगा यहाँ पे रेंज 65,000 डॉट एन एक्सेलस आप डॉट ऑफसेट और यहाँ पे 0,1,0 करना है ना, 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू एस प्लस वन। लेकिन रेंज के आगे हमें सीट भी लगाना पड़ेगा कि सीट्स डेटा, क्योंकि एक सीट से दूसरे सीट में जाना है तो हमें सीट का रेफरेंस देना ही पड़ेगा। तो हमने बोला सीट वन में 65,000 पर मतलब कि नीचे से 65,000 रो से ऊपर की तरफ कंट्रोल के साथ चले और तो ऑटोमेटिकली यहाँ सीरियल नंबर पर आ जाएगा। और मैंने बोला कि ऑफसेट से बोला कि एक नीचे आओ और यहाँ पे वन टाइप कर दो, तो ये क्या करेगा यहाँ पे वन टाइप कर देगा। और फिर इसको हम सेम इसको हम कॉपी करते हैं। और मैंने यहां पे बोला कि 0,1 और हमने यहां पे बोला डेट। अब 0,1 क्यों बोला कि जब मैं अब मैं नीचे से ऊपर आऊंगा तो जो हमने वन टाइप किया उसी पे आ जाऊंगा। अब यहां पे नीचे नहीं आना, यहां पे आगे जाना है। और यहां पे भी 0 और कॉमा 2 और यहां पे हो जाएगा। अब देखिए डेट हमारे पास डेट का फॉर्मूला है डेट लाने के लिए, जो सिस्टम डेट लाता है जिस दिन का डेट होगा वो दिन। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है नाउ का जो कि डेट एंड टाइम दोनों लाता है, बट मुझे यहां पे सिर्फ टाइम चाहिए जिस समय एंट्री हो उस समय का टाइम। तो यहां पे लिखेंगे फॉर्मेट ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां देंगे सॉरी नाउ नाउ कॉमा HHMMSS। अब ये क्या है तो VVA में आपने टू यहां पे नाउ का फॉर्मूला, एक्सेल में आप यहां नाउ का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्सेल क्या करेगा करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम दे देगा। तो और इसमें से सिर्फ टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टेक्स्ट का फॉर्मूला था जो कि अगर मैं इसमें HH/MM/SS कर दूं तो ये सिर्फ टाइम को अलग करता था। ठीक है, उसी तरह से इसका भी किया हमने, हो गया। अब बात करते हैं कि मुझे इसमें तीसरे नंबर पे क्या चाहिए। यहां फॉर्म का जो फॉर्म है उस फॉर्म का B2 का डेटा चाहिए, तो यहां लिखेंगे शीट्स। ये लिखना जरूरी नहीं है शीट्स, लेकिन फिर भी आप आदत बना के रखिए क्योंकि जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा फॉर्म सीट ही एक्टिवेट होगा। B3 है ना, B2 है डॉट वैल्यू। अब इसको कॉपी करता हूं नीचे पेस्ट पेस्ट B3 B4 एंड B7 फोर 5 सिटी हो जाता है B4 और हो जाता है B7। ठीक है, अब डेटा जाएगा तो एक कंफर्मेशन चाहिए कि MSG बॉक्स डेटा हैव सेट।
और वो जो हमारा रेंज है, ये रेंज क्लियर भी होना चाहिए, तो यहां लिखेंगे कि रेंज B2, B4, B7, मल्टी सेल सिलेक्शन जो बताया था मैंने लास्ट क्लासेस में, डॉट क्लियर। अब यहां पे क्लियर मत कीजिएगा, क्लियर कंटेंट्स कीजिएगा। क्लियर अगर कर देते हैं तो आपकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी क्लियर हो जाती है, क्लियर कंटेंट में जस्ट डिलीट प्लेस होगा। अब मुझे इस मैटर को ट्रिगर करना है एक बटन से, तो मैं यहां पे इंसर्ट में आऊंगा, ये फॉर्म कंट्रोल बटन को लेके डिजाइन करूंगा। डिजाइन किया, जैसे डिजाइन करूंगा उसके बाद आएगा और बोलेगा कि ये असाइन करो माइक्रो को, तो हमने सिलेक्ट करके ओके किया तो ये मेरा माइक्रो असाइन हो गया। और इस पे हम अपना माइक्रो का ने लिख देते हैं कि सबमिट, या सेव जो करना चाहते कर दीजिए। अब एक ट्रायल कर लेते कि मेरा डेटा सही है गलत, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, एक दो गिनती करके देख लेते। तो यहां पर मैंने लिखा पूजा 1 और यहां पे खड़ा, और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा, सेव क्लियर, और डेटा सिक्वेंसली आ गया। लेकिन सिक्वेंसली यहां पे लिखता हूं मनी पुणे ठीक है, गुड आउट इस कोड में आप लोगों को। नो सर। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ ऐसा ही फॉर्म बनाए, ये तो मैंने एक छोटा सा फॉर्म बनाया हुआ है ठीक, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बनाए। आप गूगल पे जाए या आप ही के कोई फॉर्म होगा ऑफिस के अंदर में, उसी फॉर्म को लें और एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बनाए। ठीक है, हो जाएगा आप लोगों से ठीक हाँ सर। है। तो ये फाइल में आप लोगों को मेल कर देता हूं। तो दोस्तों देखा किस तरीके से अभी हमारे साथ मॉर्निंग के 7 बजे और 3 बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से क्लासेस ली हैं। तो आप भी हमारी ये क्लासेस जो है लाइव ऑनलाइन ले सकते हैं अपने घर से, अपने सिस्टम से, लाइव इंटरेक्टिव 1-to-1 क्लास। तो आप एक बार जो है हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहां पे मेरे वेबसाइट में सारे मेरे डिटेल्स मिल जाएंगे और आप डेमो क्लासेस का फॉर्म भर के 2-4 क्लास डेमो ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, और कोई डाउट हो तो मुझे, मेरा नंबर स्क्रीन पे है, मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं।